हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल डू वर्कशीट 61, हैंडल ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 2 समरी. द हैंडल ड्रेसेज इज अ स्टोरी ऑफ ए पोलिस गर्ल वोंडा पेट्रोंस्की हु माइग्रेटेड टू अमेरिका. जो हैंडल ड्रेसेज कहानी है, एक पोलिस गर्ल है वोंडा पेट्रोंस्की, जो कि अमेरिका में माइग्रेट हो गई थी. सी इज़ पुअर एंड वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे. वह गरीब है इसमें वोंडा पेट्रोंस की, और वो हर रोज़ एक ही ड्रेस पहनती है. सी इज़ जज्ड हार्शली बाई हर क्लासमेट्स ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हर स्टेटस. उसके जो है क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका अजीब सा नाम है पेट्रोंस की, वोंडा पेट्रोंस की, और दूसरे बच्चों के नाम नामों से वो कुछ अलग है, डिफरेंट है, इसलिए उसका मजाक उड़ाते हैं. और उसके स्टेटस के कारण सी इज ए पुअर गर्ल. हर फीलिंग्स आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स. उसकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं उसके दोस्त. हाउएवर सी इज ए टैलेंटेड गर्ल. हालांकि वो एक टैलेंटेड लड़की है. एंड सेंड्स 100 ड्रेसेस डिज़ाइन फॉर द ड्राइंग कॉम्पिटिशन. और ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए वो 100 ड्रेस डिज़ाइन भेजती है. दो सी गेट्स द फर्स्ट प्राइज. उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है. येट सी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन. फिर भी उसका वह और उसका परिवार जो है उस टाउन से चले जाते हैं. सी एंड हर फादर लीव ए लेटर ईच टू द टीचर एंड हर क्लासमेट. वह और उसके पापा जो एक लेटर छोड़ के जाते हैं टीचर और वोंडा अपने क्लासमेट्स के लिए. द लेटर बाई वोंडाज फादर रिपोर्ट्स हाउ वोंडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर हर नेम. उस लेटर में लिखा होता है वोंडा के पापा ने कि कैसे वोंडा का मजाक उड़ाते हैं उसके क्लासमेट्स उसके नाम के कारण. वोंडा इन हर लेटर फॉरगिव्स ऑल द गर्ल्स एंड ओब्लाइजेज पैगी. वोंडा जो है लेटर में सभी गर्ल्स को माफ़ कर देती है और पैगी से ओब्लाइज होती है. मैडी एंड अदर्स विद गिविंग दैम द डिजाइंस ऑफ देयर च्वाइस. मैडी और दूसरों को वो अपने उनकी चॉइस के अनुसार ड्रेस डिजाइंस देती है. द थीम ऑफ द स्टोरी इज़, तो इस स्टोरी का थीम है. ये चैप्टर आपको स्टूडेंट्स कंप्लीट पूरा चैप्टर पढ़ना है, 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तभी आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर पाओगे. इज हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इज प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी. कि कैसे हमारे समाज में जो नस्लवाद है, भेदभाव है, ये जो इविल्स हैं वो अब भी प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में. द स्टोरी एंड्स बाई क्लासमेट्स फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वोंडा लीव्स टाउन. स्टोरी ख़त्म होती है, क्लासमेट्स महसूस करते हैं, सॉरी फील करते हैं कि वोंडा ने उनके कारण उस टाउन को छोड़ दिया है. अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. ये क्वेश्चन आंसर आप तभी कर पाओगे जब आप दोनों चैप्टर डिटेल्ड में पढ़ोगे. तो आपको ये दोनों स्टोरी पढ़नी है डिटेल में. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. वाई डू यू थिंक वोंडा सेट इन द लास्ट रो इन रूम 13. वोंडा बिल्कुल लास्ट सीट पर क्यों बैठती थी रूम 13 में, अपने क्लासरूम में वोंडा जो है लास्ट की सीट पर बैठती थी, क्यों? तो देखिए इसका आंसर. वोंडा सेट इन द लास्ट रो इन रूम 13 बिकॉज हर फीट वर नॉर्मली क्रैक्ड विद ड्राई मड. उसके पैरों पे जो है ड्राई मड लगा रहता था क्योंकि उसका जो हाउस था उसके आसपास मड्डी एरिया था. एंड वर वेरी डर्टी, उसके पैर गंदे होते थे. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बींग लाफ्ड एट बाई हर क्लासमेट, उसके क्लासमेट उस पर ना हंसे, इसको अवॉइड करने के लिए सी सैट देयर टू हाइड हर डर्टी फीट. वो पीछे बैठती थी अपने गंदे पैरों को छुपाने के लिए. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. पैगी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल. पैगी इस स्टोरी के अंदर जो है एक पॉपुलर और प्रोमिनेंट गर्ल है स्कूल की. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस. वो क्या रीज़न है जिसके कारण वो पॉपुलर है और प्रोमिनेंट गर्ल है. ये देखिए, पैगी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल. द रीज़न बिहाइंड दिस वॉज दैट शी वॉज वेरी रिच. एक तो ये रीज़न है कि वो बहुत रिच है, ब्यूटीफुल एंड हैड ए वेरी हाई IQ. उसका हाई IQ भी ज़्यादा है. दैट मीन्स सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी इज़ ब्यूटीफुल एंड सी इज़ रिच ऑल्सो. तो ये रीजन है जिसके कारण वो स्कूल में पॉपुलर और प्रोमिनेंट है. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर थ्री इज, इवन दो मैडी वॉज पुअर वाई डिड सी नेवर सपोर्ट वोंडा। हालांकि मैडी गरीब थी लेकिन वो वोंडा की सपोर्ट क्यों नहीं करती है। आपको जब स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि मैडी और पैगी जो है वो फास्ट फ्रेंड है। तो जब पैगी मजाक उड़ाती है तो वोंडा का फेवर क्यों नहीं करती है मैडी। मैडी वॉज ऑल्सो पुअर बट सी नेवर सपोर्टेड वोंडा बिकॉज अदर्स यूज टू बोली वोंडा। सब वोंडा का मजाक उड़ाते थे एंड मैडी फियर दैट, मैडी को ये डर था दैट दे वुड स्टार्ट बोलिंग हर ऑल्सो। यदि वो वोंडा का फेवर लेगी तो उसके क्लासमेट्स उसका भी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो फेवर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ लेटर बाई वोंडाज फादर। मैडी को कैसा महसूस हुआ जब उसने सुना वोंडा के पापा ने जो लेटर भेजा था मिस मैसन को क्लासमेट्स और टीचर्स के लिए, जब उसके टीचर ने पढ़ा तो मैडी को कैसा फील हुआ। ये देखिए आंसर, मैडी लिसनिंग टू द नोट ऑफ वोंडाज फादर मैडी हैड ए वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग। उसको बड़ा बुरा लग रहा था, बैड सी फील्स बैड, सी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर लेसन्स। वो अपने लेसन्स पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, वट इज मिस मैसन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वोंडा एंड हर फादर। मिस मैसन की क्या रिएक्शन थी जब उसने वोंडा उसके फादर का लेटर रिसीव किया, उसको पढ़ा तो उसकी क्या रिएक्शन थी। मिस मैसन सेड दैट सी वॉज सर्टेन दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम हैड डेलिब्रेटली हर्ट एनीवनस फीलिंग्स। मिस मैसन ने कहा कि मुझे पता है मेरी क्लास में कोई लड़का कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जिसने किसी की फीलिंग को हर्ट किया हो डेलिब्रेटली जानबूझकर, बिकॉज हर नेम वॉज अनफेमिलियर टू देम। क्योंकि वोंडा पेट्रोन्स्की का नाम अजीब था, डिफरेंट था, तो किसी बच्चे ने रूम 13 में से उस बच्चे का मजाक उड़ाया होगा। मिस मैसन के ये रिएक्शन थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द हैंड्रेड ड्रेसेज। हैंड्रेड ड्रेसेज जो टाइटल है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो अप्रोप्रिएट टाइटल है। यस द टाइटल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द चैप्टर टॉक्स अबाउट ए गर्ल वोंडा। क्योंकि इस चैप्टर में वोंडा जो लड़की है उसके बारे में स्टोरी है, हु इज बींग टीज्ड बाई हर क्लासमेट्स, जिसके क्लासमेट्स उसको टीज करते हैं एज सी वोर सेम ड्रेस एवरी डे, जैसे कि वो हर रोज एक ही ड्रेस पहनती है। सी मेड हैंड्रेड ऑफ ड्रेसेज इन द ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन। उसने जो है हैंड्रेड ड्रेस बनाई है, डिजाइंस बनाए ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन के लिए टू सो हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैव इंक्लूडिंग द ब्लू ड्रेसेज, ये शो करने के लिए कि उसके पास कितनी ड्रेसेज है, और ब्लू ड्रेस भी उस हैंड्रेड ड्रेसेज में शामिल है दैट सी वोर एवरी डे, जो कि वो एवरी डे पहनती थी। तो इस टाइटल जो है सिग्निफिकेंट है क्योंकि सारी स्टोरी किसी के ऊपर, जो डिजाइंस बनाए थे वोंडा पेट्रोन्स्की के हैंड्रेड डिजाइंस थे, तो टाइटल इज ऑल्सो हैंड्रेड ड्रेसेज। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, वाई इज़ पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फॉर वोंडा। पैगी की फ्रेंडशिप जो है वोंडा के लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी। पैगीज फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट फॉर वोंडा बिकॉज पैगी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास। वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी पैगी, इसलिए उसकी फ्रेंड वो पैगी, इसलिए उसकी फ्रेंडशिप जो है इम्पोर्टेंट थी मैडी के लिए। सी इज़ इंटेलिजेंट गुड एट स्टडीज एंड स्कोर गुड मार्क। वो इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, अच्छे वो नंबर लाती थी, इसलिए पैगी की फ्रेंडशिप जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैडी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डू यू थिंक वोंडाज फैमिली मूव टू ए डिफरेंट सिटी। आपके अनुसार वोंडा की फैमिली जो है दूसरी सिटी में क्यों चली गई। डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। क्या वहाँ उनकी लाइफ कुछ अलग होनी थी, वहाँ पर क्या उनके स्ट्रगल नहीं थे। ओके वोंडाज फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी बिकॉज हर फादर फेल्ट हर्ट व्हेन द चिल्ड्रन टीज्ड वोंडा। उसके फादर को बड़ा बुरा लगा जब उसे पता लगा कि वोंडा पेट्रोन्स्की को बच्चे जो उसके क्लासमेट्स जो उसको टीच करते हैं। यस
देयर इन लाइफ देयर इन ए डिफरेंट सिटी वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज पीपल देयर डोंट बॉदर अबाउट द नेम्स एंड देयर ड्रेसेस, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है मजाक नहीं उड़ाते थे किसी ड्रेसेस के कारण या नेम्स के कारण, तो वहाँ पर उनकी लाइफ जो है वो डिफरेंट थी. दैट वॉज ए मेट्रोपोलिटन सिटी आई थिंक. देयर देर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द पीपल इन अबाउट देयर नेम्स एंड ड्रेसेस. सो आई थिंक देयर द लाइफ ऑफ वोंडा पेट्रोन्स की विल बी डिफरेंट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डू यू थिंक वोंडा गिव मैडी एंड पैगी द ड्रॉइंग ऑफ द ड्रेसेज, वाई आर दे सरप्राइज्ड? आपके अनुसार वोंडा ने मैगी और पैगी को ड्रॉइंग क्यों दी ड्रेसेस की, और वो सरप्राइज क्यों हो गई मैडी और पैगी वोंडा के डिज़ाइंस को देख के? ओके वोंडा रिक्वेस्टेड मिसेज मैसन टू गिव टू ऑफ हर ड्रॉइंग टू मैडी एंड पैगी. वोंडा ने रिक्वेस्ट की मिसेज मैसन से कि दो ड्रॉइंग जो है वो मैडी और पैगी को दे. परहैप्स दिस वे सी वॉन्टेड टू शो बोथ ऑफ देम दैट सी हैड फॉर गिवन एंड फॉर गटन देयर बिहेवियर. शायद वो ये कहना चाहती थी दोनों फ्रेंड्स को कि वो उनके जो उन्होंने उसके साथ इल्ट्रीट किया उसको भूल गई है, उसको उनको माफ़ कर दिया है. दे बोथ फॉर सरप्राइज. अब मैडी एंड पैगी बोथ फॉर सरप्राइज बिकॉज दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर ड्रेसेज, क्योंकि वो हमेशा उसकी ड्रेसेस के कारण मजाक उड़ाती थी एंड इंसल्टेड हर उसकी इंसल्ट करती थी वोंडा पेट्रोन्स की. बट वोंडा हैड गिफ्टेड देम ब्यूटीफुल डिजाइन, लेकिन वोंडा ने उन्हें गिफ्ट दिया ब्यूटीफुल डिजाइंस का, सो दे वर सरप्राइज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगी स्टेजिंग. मैडी चुप रहती थी जब पैगी जो है मजाक उड़ाती थी, तो मैडी की साइलेंस भी बैड थी. कॉमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल, कैसे जो है इंसानों के माइंड में भेदभाव जो है फैलता है और लोगों को अफेक्ट करता है. आपको इस पे कॉमेंट्स करना है. ओके इट इज़ ट्रू दैट मैडी साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगी टीचिंग. मैडी की साइलेंस भी जो है जैसे पैगी टीज करती थी मैडी चुप रहती थी, वो भी एक वही था कि डिस्क्रिमिनेशन वो बढ़ा रही थी. सी हरसेल्फ थॉट द सेम, क्योंकि वो सोचती तो थी. हर साइलेंस इंकरेज पैगी टू टीचर, क्योंकि जब वो चुप थी तो वो इंकरेज कर रही थी पैगी को टीच करने के लिए. इसलिए हमें जब भी किसी के साथ बुरा होता है तो हमें उसे सहन नहीं करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए. अगर चुप हो गए तो दैट मीन्स वी आर एग्री विद दैट पर्सन. ए पर्सन हु सीज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, यदि कोई इंसान अपने सामने बुरा होता देख रहा है, इज एज मच एन ऑफेंडर, वो भी उतना ही अपराधी है एज द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस, जितना कि जो अपराध कर रहा है वो इंसान दोषी है. दिस इज हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल. इस तरह से जो है भेदभाव फैलता है समाज में, लोगों के अंदर ऐसी इल फीलिंग्स आती हैं. इफ मैडी वुड हैव सपोर्टेड वोंडा, यदि मैडी वोंडा की सपोर्ट करती एंड ऑल्सो कंप्लेंट द टीचर, टीचर को कंप्लेंट कर देती अबाउट दैट उन चीज़ों के बारे में, अबाउट दैट थिंग्स, देन द थिंग्स कुड हैव चेंज, तो ये सब कुछ चेंज हो सकता था. हो सकता था कि वोंडा को जाना नहीं पड़ता उस सिटी को छोड़कर. ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन. द स्टोरी हंड्रेड ड्रेसेस प्रेजेंट करेक्टर्स विच डिपिक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट सेटिंग्स सच एज टीजिंग प्लेइंग इन क्लास एक्टिविटी. अपने हंड्रेड ड्रेसेस के अंदर देखे करेक्टर्स जो है डिफरेंट, उन्होंने अपने एस्पेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर का एस्पेक्ट्स डिपिक्ट किया है, जैसे टीजिंग का प्लेइंग का इन क्लास एक्टिविटी के थ्रू. चूज एन इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट्स, आपको कोई भी एक इंसिडेंट सुनना है, बहुत सारे इंसिडेंट थे स्टोरी में, एंड राइट डायलॉग बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैगी मैडी एंड वोंडाज पर्सनैलिटी. आपने इनके बारे में स्टोरी में पढ़ा, पैगी मैडी और वोंडा की पर्सनैलिटी के बारे में, उस बेस पे आपको कोई भी एक इंसिडेंट लिखना है. ओके एन इंसिडेंट व्हेन वोंडा इज सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लासरूम. ये इंसिडेंट है जब वोंडा जो है लास्ट बेंच पर बैठी हुई थी क्लासरूम में,
पैगी एंड मैडी वुड गो टू हर टू मेक फन ऑफ हर। तभी पैडी और मैगी उसके पास जाते हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए। पैगी वुड आस्क, पैगी ने पूछा, वॉन्ट आर डिड यू चूज द लास्ट सीट टू हैव सम फन? तुम लास्ट सीट पर इसलिए बैठती हो कि तुम कुछ फन कर सको? आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडी एंड नन कैन डिस्टर्ब मी हेयर, वोंडा वुड से। वोंडा ने कहा, नहीं, इसलिए नहीं बल्कि मैं इसलिए बैठती हूँ पीछे कि ताकि मैं स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ओ रियली, देन यू आर गोइंग टू टॉप द क्लास दिस ईयर। तब पैगी कहती है, फिर तो तुम इस साल जो है क्लास में फर्स्ट आओगी। यस, वोंडा वुड से। वोंडा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। पैगी, आवर क्लास टीचर मे कम एट एनी टाइम, वी शुड मूव टू आवर सीट, मैडी सेज टू पैगी। तभी मैडी ने पैगी से कहा कि हमारी क्लास टीचर पैगी कभी भी आ सकती है, तो हमें अपनी सीट पर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये वर्कशीट जो है आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये चैप्टर, दोनों चैप्टर डिटेल्ड में पढ़ने हैं बुक में, देन यू विल बी एबल टू लर्न द आंसर्स ऑफ दिस वर्कशीट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।